हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रेसलिंग टॉक। तो गाइज, एक रेसलर का जो फिनिशर होता है वो उस मैच का सबसे इम्पोर्टेंट मूव होता है, इसलिए इसे सही तरीके से एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन कई बार रेसलर ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाते, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उन सुपरस्टार के बारे में जिन्होंने अपने फिनिशर को ही बॉच कर दिया। लेकिन उससे पहले अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि एक रेसलिंग मैच में किसी मूव को सही तरीके से एग्जीक्यूट ना कर पाने को बॉच कहते हैं। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। Montez Ford putting it all on the line outside the ring. Number 1, Seth Rollins. 2015 में WWE ने सेथ रॉलिंस के फिनिशर कर्ब स्टॉम को अनसेफ मानते हुए बैन कर दिया था, जिसकी वजह से सेथ रॉलिंस को अपना फिनिशर चेंज करना पड़ा, जिसके बाद सेथ रॉलिंस कुछ समय के लिए नी टू फेस को अपने फिनिशर के तौर पर यूज करने लग गए, जिसे वो रिपकॉर्ड नी कहते थे। और उसी दौरान रॉ पर जॉन सिना के खिलाफ हुए एक मैच में सेथ रॉलिंस ने इसी मूव को बॉच कर दिया था, जिसकी वजह से जॉन सिना की नाक टूट गई थी। नंबर 2, सीएम पंक। मई 2010 के स्मैकडाउन के एक एपिसोड में सीएम पंक और केन वन ऑन मैच में आमने सामने थे, जहां मैच के आखिरी में सीएम पंक केन को शोल्डर पर उठाकर गो टू स्लीप देना चाहते थे, लेकिन वो मूव पूरी तरीके से बॉच रहा, क्योंकि केन का इतना वेट होने के कारण सीएम पंक उन्हें हैंडल नहीं कर पाते और केन सीएम पंक के ऊपर ही गिर जाते हैं। हालांकि एक बॉच जीटीएस के बावजूद सीएम पंक वो मैच जीत जाते हैं। नंबर 3, गोल्डबर्ग। 2019 के सुपर शोडाउन में हमें दो सबसे बड़े रेसलिंग लेजेंड अंडरटेकर और गोल्डबर्ग के बीच मैच देखने को मिला था। हालांकि मैच को फैंस ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि उस मैच में हमें दोनों सुपरस्टार की तरफ से काफ़ी बॉच मूव्स देखने को मिले थे, और उन्हीं में से एक था गोल्डबर्ग का बॉच जैक हैमर। गोल्डबर्ग जब अंडरटेकर को जैक हैमर लगा रहे होते हैं, तब वो अंडरटेकर को सिर के बल गिरा देते हैं। अच्छी बात यह रही कि अंडरटेकर को इससे कोई बड़ी इंजरी नहीं हुई। नंबर 4, एलिस्टर ब्लैक। NXT टेकओवर शिकागो में NXT चैंपियन एलिस्टर ब्लैक अपना टाइटल डिफेंड कर रहे थे लार्स सुलिवन के खिलाफ, जहां उस मैच में एलिस्टर ब्लैक अपने ही फिनिशर ब्लैक मास को बॉच कर देते हैं। उस मैच में एलिस्टर ब्लैक लार्स सुलिवन को ब्लैक मास लगाने जाते हैं, लेकिन वो इसे पूरी तरीके से मिस कर देते हैं। नंबर 5, रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन WWE के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने फिनिशर RKO को बॉच कर रखा है। 2004 में वो एक मैच के दौरान जब क्रिस जेरिको ने बटिस्टा को वॉल्स ऑफ जेरिको में डालते हैं, तब रैंडी ऑर्टन क्रिस जेरिको को RKO लगाने जाते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन क्रिस जेरिको के हेड को पूरी तरीके से मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मुंह पूरी तरीके से बॉच हो जाता है। नंबर 6, रायबैक। रायबैक WWE के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपरस्टार हैं, जिन्होंने कई बार रिंग में अपनी पावर दिखाई है। लेकिन अक्टूबर 2012 में टेंसाई के खिलाफ हुए एक मैच में जब रायबैक टेंसाई को शेल शॉक देने जाते हैं, लेकिन वो टेंसाई को उठा नहीं पाते और उस मूव को बॉच कर देते हैं। बाद में रायबैक उस मैच को एक ब्रूटल क्लोज लाइन से जीतते हैं। नंबर 7, ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर WWE के वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट सुपरस्टार है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर F5 को अपने फिनिशर के तौर पर यूज करते हैं, लेकिन अपने अर्ली करियर में वो शूटिंग स्टार प्रेस को भी अपने फिनिशर के तौर पर यूज किया करते थे। WrestleMania 19 में हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस कर्ट एंगल के बीच मैच देखने को मिला था, और उस मैच की सबसे खास बात जो फैंस को याद है वो ब्रॉक लेसनर का बॉच शूटिंग स्टार प्रेस है। उस मैच में ब्रॉक लेसनर ने टॉप रोप से शूटिंग स्टार प्रेस किया था, जो कि पूरी तरीके से बॉच रहा था, क्योंकि उस मूव को करते हुए ब्रॉक लेसनर का सिर डायरेक्ट मैट पर हिट हुआ था, जिस वजह से वो कुछ समय के लिए उस मैच में नॉकआउट हो जाते हैं। हालांकि इसके बावजूद वो मैच ब्रॉक लेसनर जीतते हैं, और उस मैच के बाद ब्रॉक लेसनर ने शूटिंग स्टार प्रेस को करना बंद कर दिया। तो गाइस, ये वीडियो यहीं तक के लिए थी। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि WWE से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।